ओवरलैप कंडीशन में है जो ठीक 12 बजे है, ठीक 12 बजे होंगी। और अगर 12 बजे की बात करें और यहाँ से घंटे वाली सुई चलना है स्टार्ट करें, तो घंटे वाली सुई क्या पूरा चक्कर 12 घंटे में लगा पाएगी? तो घंटे वाली जो सुई होती है वो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगा पाती है। बोलो, बात समझ में आ रही है ना भाई? 12 से 1 चला, 1 घंटे हो गया, 1 से 2 चली, 2 घंटे हो गए, 2 से 3 चली, 3 घंटे हो गए। इसी तरीके से 12 से चलने के बाद जब घंटे वाली सुई 12 पर आ जाएगी तब पूरा जो है 12 घंटे का राउंड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें, अभी हम आर हैंड यानी घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं, तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी? पूरा एक राउंड। तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री घूम रही है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 30 डिग्री। 360 बटे 12 यानी कि 30 डिग्री। बोलो, क्लियर है ना बात? यानी कि घंटे वाली सुई हर एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक? 30 डिग्री का एंगल शिफ्ट हो जाती है। आगे ये बोला जा रहा है कि अगर हम ऐसे समझें कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है, तो एक मिनट में कितना घूमेगी? 30 डिग्री बटे 60 यानी कि 1/2 डिग्री। बोलो, बात समझ आ रही है? यानी घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अब जरा देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ मिनट हैंड की, मिनट वाली सुई जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो जरा समझेंगे। मिनट हैंड, देखो भाई, मिनट हैंड की हम बात करें तो जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 4 बजे है मान लो, तो घंटे वाली सुई 4 पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी, ठीक? अब जैसे ही 5 बजेगा तो मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड लगा लेगी एक घंटे का। तो जब हम मिनट हैंड की बात करते हैं तो ये 60 मिनट में है ना, एक घंटे कितना, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री का। तो एक मिनट में कितना कोण बनेगा? एक में बनेगा 360 बटे 60 यानी कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो मिनट हैंड जो है वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और
आर हैंड एक मिनट में एक बटे दो डिग्री का यानी आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर हम आपसे कहें कि आर हैंड और मिनट हैंड, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य एक मिनट में बनने वाले कोणों का अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 डिग्री और ये मिनट हैंड का हो जाएगा 6 डिग्री। और जब हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये एक रेशियो क्या बन जाएगा, एक रेशियो क्या बन जाएगा 12। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य बनने वाले कोणों का जो अनुपात होता है वो 1:12 होता है। समझ आ रही है बात के लिए? ठीक, नोट करिए। जब घड़ी की सुइयों की बात हो रही है तो एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई जो है, ये मान लीजिए आपकी आर हैंड है, घंटे वाली सुई है, और ये मान लीजिए आपकी मिनट वाली सुई, ये आपकी कौन सी सुई है, मिनट वाली, मिनट हैंड। क्लियर है ना बात? इनके बीच का जब कभी भी आपको कोण निकालना होगा थीटा, ठीक, तो किसी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो कोण होता है, जो एंगल होता है बिटवीन आर हैंड और मिनट हैंड, वो होता है थीटा इक्वल टू 11 m यानी 11 मिनट माइनस 60 h यानी 60 घंटे बटे 2। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको इन दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण पता चल जाएगा, क्या होगा, 11 मिनट माइनस 60 h बाई 2। मिनट, m का मतलब है मिनट और h का मतलब है घंटे, ठीक है। सब बताऊंगा, पेशेंस रखिए बस। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, बुक में कभी कभी आपका 30h माइनस 11/2 मिनट लिखा होगा, बात वही है, 60 में 2 का भाग देंगे तो ये 30 बन जाएगा और ये 11/2 ही रहेगा। कभी कभी साइन लोग उल्टा लिख देते हैं, ये माइनस का जो है इसे प्लस का बना देते हैं, इसे माइनस का बना देते हैं, उससे भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। समझ आ रही है बात? एंगल जो होगा वो आपका करेक्ट आएगा, प्लस माइनस से आपको मतलब नहीं है, आपको केवल किससे मतलब है, थीटा से, एंगल से। समझ आ रही है बात? मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा। देखिए 4:40 घड़ी के सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए।
ठीक है। देखें 4:40 की बात हो रही है, 4:40, ये क्या है घंटे और ये क्या है मिनट, यही है ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू 11 मिनट माइनस 60h बाई 2, यानी इसका मतलब ये हो गया 11 इनटू मिनट की बात हो रही है, मिनट कितने हैं 40 माइनस 60 इनटू h, यानी 60 इनटू h, h की वैल्यू है 4 घंटे, बटे कितना हो गया 2, 11 बटे 40 करेंगे 440 आएगा, माइनस 6×24 कितना हो गया 240, बटे कितना हो गया 2, ऊपर बच रहा है 100 डिग्री बच रहा है ना, 100 डिग्री बाई 2 कितना हो गया, सॉरी 200 बच रहा है, 200 बाई 2 कितना हो गया 100 डिग्री, कितना हो गया 100 डिग्री, क्लियर है। फॉर्मूला लगाएंगे 11m माइनस 60h बाई 2, m का मतलब है 40 मिनट, h का मतलब है 4 घंटे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 440 माइनस 240 बटे 2, यानी 200 बटे 2 आ गया 100 डिग्री, ठीक। तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 100 डिग्री का बनेगा, क्लियर है बात। और आगे कुछ मैं, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, चार ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, चार क्वेश्चन, उसके आप लोगों को आंसर निकालने हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, 3:35 जैसे घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण पूछा जा रहा है ना, जैसे मान लो एक ये एंगल बन रहा है, समझना, ये आपकी मान लो आर हैंड है घंटे वाली सुई, और ये मान लो आपकी मिनट वाली सुई है थोड़ी देर की, ये मिनट वाली सुई की लंबाई ज्यादा होगी, घंटे वाली सुई की लंबाई कम होगी, इसको हमने समझ लिया ये आर हैंड है ये मिनट हैंड है। इन दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो आप समझ लीजिए बात को, वो कोण होता है ये वाला थीटा, क्लियर है बात। ये जो बाहर वाला कोण है ये होगा 360 माइनस थीटा, ये कितना होगा 360 माइनस थीटा, क्लियर है ना। तो दो कोण बनेंगे हमेशा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, हमेशा दो कोण बनेंगे, एक बनेगा इंटरनल एंगल और एक बनेगा एक्सटर्नल एंगल, अंदर से कोण और बाहर से कोण, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऑप्शंस पर कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। अगर आंसर 100 डिग्री दिया गया है तो आंसर 100 डिग्री सही होगा, अगर आंसर 100 डिग्री नहीं दिया गया है तो फिर 260 डिग्री दिया गया होगा, समझ आ रही है बात। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन, ठीक है, लेकिन हमेशा इंटरनल एंगल ही आपका सही एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी 100 डिग्री, आंसर 260 भी सही है, लेकिन घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 4:40 की बात हो रही है तो जो इंटरनल एंगल बनेगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, समझ आ रही है। 260 भी गलत नहीं है लेकिन ऑप्शन में होगा तो इनमें से कोई एक ही होगा, समझ आ रही है ना। आगे लिखिए 3:35 पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन 6:50 तीसरा क्वेश्चन है 10:10 ठीक है, और 2:10 करिए, सभी के एंगल निकालिए और बताइए कितने आ रहे हैं। Yeah.
पॉइंट में आ रहा है दूसरा लास्ट लास्ट वाला 5 डिग्री एक और था 3:35 क्या टाइम था ऐसे करके था ना कुछ उसका क्या आ रहा है देखते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं आप मतलब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो तो ठीक है आप कर लेंगे आपको बता दिया 11m-60h/2 लगाना है एंगल मिल जाएगा एक एंगल आपका होगा 10:10 ऑप्शन है ना क्वेश्चन है 10:10 है ना 10:10 इसलिए समझ लो जो आपका होगा वो फॉर्मूला होगा 11m-60h/2 यही होगा ना तो यहाँ पर देखो 11 × 10-60 × 10/200 अब आगे देखो जरा ये हो जाएगा 110 कितना हो गया 600/2 कितना हो गया 2 क्लियर है बात तो जब हम 600 में से 110 घटाएंगे तो आ जाएगा 490 कितना आ जाएगा 490/2 क्लियर है बात 200/2 करो 2×2=4 2×8=10 ये कितना हो गया 245 डिग्री कोई दिक्कत नहीं प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं मैंने क्या बताया अभी इसके पहले एंगल में प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है हमें क्या फाइंड करना है एंगल फाइंड करना है ना तो उसके पॉजिटिव साइन से मतलब है ना नेगेटिव साइन से मतलब है तो यहाँ पर कितना आ रहा है -245 डिग्री लेकिन एक बात बताओ जैसे मान लो 10:10 हुआ है तो जो घंटे वाली सुई होगी वो कुछ इस प्रकार होगी और मिनट वाली सुई कुछ इस प्रकार होगी ठीक तो इनके बीच वाला कोण हमें ज्ञात करना है क्लियर है बात आपको ये दिख रहा होगा ये 90 डिग्री से कम नजर आ रहा है अपन को अभी थोड़ी देर के लिए अगर अपन देखें तो मतलब 180 डिग्री से कम नजर आ रहा है 180 क्या होती है स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पर जो आपका एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 245 डिग्री यदि कभी भी किसी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए 180 डिग्री से क्या आ जाए ज्यादा आ जाए तो उसे 360 में से माइनस कर देते उसे क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 360 डिग्री -245 डिग्री क्लियर है बात देखो भाई 10 में से 5 गया कितना आ गया 5 5 में से 4 गया 1 और इधर कितना बचेगा ये हो जाएगा 115 बोलो क्लियर है बात तो ये जो करेक्ट एंगल आएगा इन दोनों के बीच में वो कितना आएगा 115 डिग्री का ये इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखिए ठीक है जब कभी भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो उसे पुनः 360 में से घटा समझ आ रही है और अगर 180 डिग्री से कम आ रहा है तो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है ठीक बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके हैं उसमें देखो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं आ रहा होगा किसी का नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है जब नहीं आ रहा है तो घटाने की जरूरत नहीं है और अगर आ रहा है तो घटा देंगे 360 में से ठीक चलिए आगे नहीं माइनस से मतलब नहीं है आपको प्लस माइनस नहीं देखना आपको सिर्फ एंगल देखना है एंगल का पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है बस 300 जैसे अगर आप मान लो यहाँ पर आ रहा है हमारा -245 डिग्री तो हमें कंसीडर करके चलना है कि 245 डिग्री है प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं समझ आ रही ना बात आगे देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में बात होती है स्पेशल एंगल है ना तो हेडिंग डाल दीजिए सम स्पेशल एंगल्स कुछ महत्वपूर्ण कोण सम स्पेशल एंगल्स कुछ महत्वपूर्ण कोण ठीक कुछ महत्वपूर्ण कोण सम स्पेशल एंगल्स अब सम स्पेशल एंगल्स क्या क्या होंगे जब किसी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगी समझना बात जब किसी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत यानी अपोजिट टू ईच अदर होगी जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो कहने का मतलब है कि तीन कोण बन गए अगर घड़ी की दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर हैं तो वहां पर जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का बनेगा दूसरा यदि घड़ी की दोनों सुइयां बोथ हैंड अपोजिट टू ईच अदर हैं एक दूसरे के विपरीत हैं तो
तो उनके बीच में बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। और यदि घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, लंबवत हैं, तो कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो तीन स्पेशल केस बनते हैं। तो उसके नीचे हेडिंग डाल दीजिए 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक। अब सबसे पहले आपको लिखना है 0 डिग्री में, 0 डिग्री हेडिंग डालिए और लिखिए पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 0 डिग्री का लिखिए। जब कभी घड़ी की दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जब घड़ी की दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कॉन्साइड टू ईच अदर, तब उनके मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है, तब उनके मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है, तब उनके मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। जब घड़ी की दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो उनके मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है। इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, 0 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है। 0 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है। 0 डिग्री का कोण हर एक घंटे में एक बार बनता है, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखिए, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है, ठीक। 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। और अगला पॉइंट लिखिए, 24 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। क्लियर है? 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। या 12 घंटे में कितनी बार बनना है? 11 बार। हर एक घंटे में कितनी बार बनना है? एक बार। और 0 डिग्री का कोण कब बन रहा है? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी, एक दूसरे की ओवरलैप कंडीशन है। अब जरा बात समझना है, पर अगर हर एक घंटे में एक बार बनता है 0 डिग्री का कोण, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। अगर हर एक घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए और 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। अब चूंकि 12 घंटे में 11 बार बन रहा है, तो अगले 12 घंटे में फिर 11 बार बना होगा, तो 24 घंटे में कुल 22 बार बना 0 डिग्री का कोण। और 0 डिग्री का मतलब है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो जरा बात को समझना है आपको, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये 12, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये अपन की घड़ी है। और यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, समझना। जब घड़ी की हम किसी एक आइडियल कंडीशन, ठीक 12 बजे एक बार घड़ी सही करी गई, ठीक 12 बजे है घड़ी पे, तो ठीक 12 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर रही होंगी कि नहीं रही होंगी, बोलो। दूसरी चीज, 11 बजे से 12 बजे तक के बीच का जो समय है, समझना बात, 11 बजे से 12 बजे तक के बीच का जो समय है, इसमें घंटे वाली सुई जब 11 बजे रहा होगा, तो 11 पे रही होगी, और मिनट वाली सुई 12 पे रही होगी। बहुत ध्यान से समझना, मिनट वाली सुई 12 पे रही होगी, घंटे वाली सुई 11 पर रही होगी कि नहीं रही होगी। ये कब मिलेगी? एक घंटे बाद, क्योंकि हर एक घंटे में एक बार मिलती है। तो जब 11 बजे से घंटे वाली सुई चलना स्टार्ट हुई, तो घंटे वाली सुई की स्पीड तो बहुत धीमी होगी, लेकिन मिनट वाली सुई की स्पीड तेज होगी। तो मिनट वाली सुई घूमते 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 कहाँ पर आ गई? 12 पर। और घंटे वाली सुई भी एक घंटे में कहाँ पहुँच गई? 12 पर। यानी जब 12 बजा तो 12 से 1 के बीच में जो समय है, 12 से 1 के बीच वाला जो समय है, इसमें घड़ी की सुई 12 से 1 के बीच में ठीक 12 बजे ही मिल चुकी है। ठीक कितने बजे मिल चुकी है? 12 बजे मिल चुकी है। अब जब 12 बजे से 1 बजे का समय चला जाएगा, तो घंटे वाली सुई, देखो दोनों एक साथ मिल चुकी है ना, अब मिनट वाली सुई आगे बढ़ गई, और जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ गई, तो एक तरीके से घंटे वाली सुई बिल्कुल हल्की सी हिली होगी, वो पता नहीं चलता कि कितनी वो वहां से जो है
डिस्टेंस कवर करा होगा वो दिखाई नहीं देगी, तो मिनट वाली सुई तेजी से बढ़ती हुई इसके इधर आते हुए चली जाएगी और कहां पर आ जाएगी, 12 पर। तब तक घंटे वाली सुई कहां पर पहुंच जाएगी, एक पर। यानी कि 12 से 1 के बीच का जो समय है उस पे घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी मिल एक दूसरे से नहीं पाती, क्योंकि वो ठीक 12 बजे मिल चुकी हुई है, इसलिए 12 से 1 के बीच में वो नहीं मिल पाई। मिली कहां से, 11 से 12 के बीच में, वो भी ठीक 12 बजे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बना, एक बार। समझ आ रही है ना, 11 से 1 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण सिर्फ कितनी बार बना, एक बार बना। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 1 के बीच में 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण बन ही नहीं पाया। समझ आ रही है बात, इसीलिए 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना, 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बना, 22 बार बना। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो आप इस फिगर को ऐसे बना लीजिए कि 11 से 1 के बीच में सिर्फ 0 डिग्री का कोण एक बार बना, जबकि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बन पाया, इसलिए। समझ आ रही है बात, ठीक। और उसमें चाहे तो आप मेंशन भी कर सकते हैं नीचे कि 12 बजे से 1 बजे तक कभी भी 0 डिग्री का कोण नहीं बन पाता है, यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिल पाती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक कितने घंटे हैं, 6 घंटे। अब 6 घंटे में 12 से 1 वाला समय इंक्लूडेड है कि नहीं है, अंतर्गत आ रहा है 12 से 1 वाला समय, यहाँ 0 डिग्री का कोण नहीं बना होगा। तो जब यहाँ पर 0 डिग्री का कोण नहीं बना होगा तो 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए था, लेकिन एक बार बना ही नहीं, तो 6-1 कितनी बार बना, 5 बार। यानी कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि पूरा समय 9 घंटे का, 9 घंटे में सिर्फ 12 से 1 वाले समय में नहीं बनेगा, तो 9-1 8, या फिर जो बेसिक है बिल्कुल वो 9 से 12 3 बार और 12 से 6 केवल 5 बार, क्योंकि 6 बार बनना चाहिए लेकिन एक बार नहीं बना, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 बार।
बोलो क्लियर है भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। एट टाइम्स बोथ हैंड, ठीक है, ऑन साइड टू ईच अदर, क्लियर। आगे बस आपको सेल्फ असेसमेंट जीरो डिग्री में ये देखना है कि 12 से 1 वाला समय आ तो नहीं रहा है काउंटिंग में, अगर आ रहा है तो बस वहीं पर माइनस वन करना, समझ आ रही है ना, ठीक। और लिखे आगे, देखिए सोमवार शाम 7 बजे, सोमवार शाम 7 बजे, सोमवार शाम 7 बजे से गुरुवार, सोमवार शाम 7 बजे यानी मंडे इवनिंग से, सोमवार शाम 7 बजे से गुरुवार, ये गुरुवार सुबह 11 बजे तक, थर्सडे मॉर्निंग 11 AM, ठीक। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, चार बार कैसे आ जाएगा यार, एक घंटे में दो एक बार बनता है, 59 टाइम्स। और बताइए, सोमवार शाम 7 बजे से मंगलवार शाम 7 बजे तक क्या 24 घंटे हो गए, बताओ भाई कितने घंटे हो गए, 24 घंटे, देखो पीएम से पीएम 24 घंटे। इसी तरीके से ट्यूसडे से वेडनेसडे तक जाएंगे तो भी 7 PM तक जाएंगे, कितने घंटे हो गए, 24 घंटे, क्लियर है बात। सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, अब बुधवार से जब बृहस्पतिवार जाएंगे और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार सुबह 11 बजे तक जाना है, ये बताओ बुधवार का शाम को 7 बजे है तो गुरुवार का सुबह का 7 24 घंटे में नहीं 12 घंटे में आ जाएगा, 12 घंटे में दिन हो जाएगा ना, एग्जैक्ट। तो यहाँ से 7 PM से अगर हम 7 AM पर आ गए, जब भी PM से AM पर जाएंगे तो 12 घंटे और PM टू PM जाएंगे तो 24 घंटे, सीधी सी बात है, बस ये कितना याद रखना। तो यानी यहाँ पर कितने घंटे लग गए, 12 घंटे लग गए, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब अगर यहाँ पर 12 घंटे लग गए तो हम लोग गुरुवार सुबह 7 बजे तक पहुँच चुके हैं और सुबह 11 बजे तक अपन को पहुँचना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 घंटे क्या कर देंगे और जोड़ देंगे, तो सुबह जो 7 बजे है वो सुबह का क्या बच जाएगा, 11 AM, कौन से दिन का, थर्सडे का, यानी कि गुरुवार, समझ आ रही है बात। अभी अभी अपन ने पढ़ाई कि 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनता है, इधर बन गया 22 बार, इधर पे भी बन जाएगा 22 बार, इधर 12 घंटे में 11 बार पढ़ा है तो इधर बन जाएगा 11 बार और प्लस इधर बन जाएगा 4 बार। इधर 4 बार इसलिए बन रहा है क्योंकि सुबह 7 से 11 बजे के मध्य में 12 से 1 वाला समय तो नहीं आ रहा, तो हर घंटे में एक बार बनना होगा, तो 4 घंटे में 4 बार बनेगा, तो 22 22 44 44 11 55 55 4 59 यानी 59 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कि घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 59 टाइम्स 0 डिग्री का एंगल बनेगा, समझ आ रही है बात, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देकर के करिएगा डेज वाले में, क्योंकि डिफरेंस जब ज़्यादा आ जाता है तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है, समय में 12 24 इसमें डिफरेंस आएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए,
दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी, हिंदी में, ठीक है, यानी अपोजिट टू ईच अदर कब होंगी। उन दोनों के मध्य में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और कभी कभी ये कह दिया जाता है कि बताइए कि इतने घंटे से इतने घंटे के मध्य में घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम दूरी में कितनी बार होंगी, तो लिख लीजिए इसी में ऑब्लिक लगा के, देखिए 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ऑब्लिक ऑब्लिक घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार होंगी, ठीक। और फिर ऑब्लिक लगा के लिखिएगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम दूरी, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम दूरी, क्लियर है। ये तीन पॉइंट आएंगे, डैश लगा दीजिए आगे, अब इसको बारे में समझेंगे। देखो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं यानी घंटे वाली सुई जो है और मिनट वाली सुई जो है वो अधिकतम दूरी का मतलब ये है कि जब एक दूसरे के विपरीत होंगी तभी एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगी, समझ आ रही है बात। तो चाहे 180 डिग्री बोले, चाहे विपरीत बोले, चाहे अधिकतम दूरी बोले, मतलब आपको निकालना है 180 डिग्री वाली कंडीशन, ठीक। अब जरा देखिएगा, जब आप 180 डिग्री समझ रहे हैं तो जैसे हमने फिगर बनाया था 12 1 2 3 4 5 ठीक है, तो देखो भाई 180 डिग्री वाली केस में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की बात हो रही है। मिनट वाली सुई कहां पर है, ठीक 12 बजे, और घंटे वाली सुई कहां पर है, ठीक 6 बजे, यानी दोनों के मध्य 180 डिग्री का कोण बन रहा। जब 0 डिग्री का कोण आएगा तो आइडियल कंडीशन ठीक 12 बजे होगी, जब 180 डिग्री का कोण आएगा तो 180 डिग्री जैसे ही तुम सुनते हो तुम्हारे दिमाग में ठीक 6 बज जाता है कि बिल्कुल क्या एक दूसरे के अपोजिट। 0 डिग्री का कोण सोचते हो तो ठीक 12 बजे दिमाग में चीज आ जाती है, आ जाती कि नहीं। 90 डिग्री का सोचते हो तो 3:15 बजे 9:15 बजे 1:15 में कुछ ना कुछ दिमाग में आता होगा। तो 180 डिग्री की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर लिखना क्या है आपको, देखो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनना है, तो लिखिए अब इसमें नीचे, देखिए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य हर घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य हर एक घंटे में एक बार, हर एक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है या एक दूसरे के विपरीत, एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, हर एक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है या एक दूसरे के विपरीत होती है, या एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक, या एक दूसरे के विपरीत होती है। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। और आगे 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक। अब जरा देखिए आप ये बताओ, जैसे 6 बजा होगा तो 5 से 6 बजे वाला ये जो घंटा है 5 to 6, 5 बजे से 6 बजे के बीच में ठीक कहां पर मिली, 6 बजे, मतलब 6 बजे एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो 6 से 7 के बीच में फिर कहीं पर भी अपोजिट नहीं हो पाई होगी, यानी 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण एक भी बार नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है समय क्या हुआ, 5 से 7 के बीच में सिर्फ कितनी बार बना, एक बार, कहां 5 से 6 के बीच में, वो भी कितने बजे, ठीक 6 बजे, तो 6 से 7 के बीच में अपोजिट टू ईच अदर नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी 180 डिग्री की बात होगी तो 6 से 7 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो याद रखना, जब भी 0 डिग्री आएगा तो 12 से 1 वाला समय याद रखना,
जब भी 180 डिग्री आएगा तो 6 से 7 वाला समय आएगा, ठीक। बाकी सब कुछ सेम वैसे ही और कर लीजिए। आज सुबह आठ बजे से कल शाम 5 बजे तक, आज सुबह 8 बजे से टुडे 8 AM टू टुमारो 5 PM, आज सुबह 8 बजे से कल शाम 5 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार ठीक है भाई। देखिए आज सुबह 8 बजे से ना, आज सुबह 8 बजे से टुडे और टुमारो कितने बजे तक, 5 PM तक है ना। अच्छा ये बताओ आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक क्या पूरे के पूरे 24 घंटे एक दिन हो जाएगा, बताओ भाई। तो सुबह 8 बजे से यहाँ पर सुबह 8 बजे तक का जो समय है वो कितने घंटे का हो गया, 24 घंटे का। 24 घंटे में कितनी बार मिली होगी, कितनी बार विपरीत गई होगी, 22 बार। अब देखो अभी सुबह का क्या बजा है, कल सुबह का 8 बजा है और कल शाम के 8 बजे की बात हो रही है, समझना बात। तो इस 5 बजे की बात हो रही है तो 8 बजे से अगर आप 3 घंटे जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगा और 5 घंटे और यानी टोटल कितने घंटे जो है बताओ, 8 घंटे ना, बोलो भाई कितने घंटे होंगे, 9 घंटे क्लियर है। तो देखो कल शाम 5 बजे तक ही जा रहे हैं ना, 6 से 7 वाला समय आ रहा है क्या 5 बजे तक, नहीं आ रहा। तो जब नहीं आ रहा है तो 1 माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हर एक घंटे में एक बार बनना है तो 9 घंटे में कितनी बार बने, 9 बार बने, बोलो भाई। आज सुबह आठ बजे से कल सुबह 8 बजे तक हो गए 24 घंटे, 24 घंटे में 22 बार बन गया। अब सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 9 घंटे हो गए, 8 से 12 4 और 12 से 5 5 5 4 9 घंटे, 9 घंटे में कितनी बार बनेगा, 9 बार बनेगा, क्योंकि 6 से 7 वाला समय नहीं आ रहा इसमें। तो जब 6 से 7 वाला समय नहीं आ रहा तो पूरा 9 बार बन गया, तो 22 प्लस 9 यानी टोटल कितनी बार बन गया, 31 बार। बोलो बात समझ आ रही, यानी कहने का मतलब सिर्फ एक और एक चीज है कि 6 से 7 वाला समय अगर आ जाए गिनती में तो वहां पर 180 डिग्री में से 1 माइनस कर देना जितने टाइम से आ रहा है, बस और कुछ नहीं। समझ आ गई बात, ठीक। और आगे क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करते हैं, से फ्राइडे सोमवार शाम 5 बजे
समय तो नहीं लगना चाहिए। अरे दिन गिन लो ना, सोमवार की बात हो रही है ना, सोमवार की कितने बजे की बात हो रही है? शाम चार बजे से। बोलो बच्चे बताओ, शाम चार बजे से शाम चार बजे तक मंगलवार को 24 घंटे, बुधवार को शाम चार बजे तक 2 दिन, बृहस्पतिवार तक 3 दिन, है ना? कितनी बार हो गए? 3 दिन हो गए। तो 3 दिन में 22 बार बना, यानी 66 बार, 3 दिन में बन गए। अब शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक हो गए 12 घंटे, समझ आ रही बात? शुक्रवार सुबह 4 बजे तक जब 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे में 11 बार बना, तो 66 और 11 कितना हो गया? 77। अब सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक 4 घंटे हो गए ना, लेकिन सुबह 4 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे में 4 बार नहीं बनेगा, क्योंकि 6 से 7 वाला समय बीच में आ गया, तो 1 माइनस हो गया। तो कितनी बार बना? 3 बार बना। तो 77 + 3 कितना हो गया? 80 टाइम्स हो गया, यानी 80 बार बने। समझ आ रही है बात? ठीक आगे जब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत हों, डैश डैश लगाइए, फिर आगे लिखिए समकोण। समकोण बनाते हैं, ठीक है? दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, लंबवत हो ऑब्लिक समकोण बनाती हैं। समकोण यानी फॉर्म्स राइट एंगल, है ना? फॉर्म्स राइट एंगल, ठीक? संपूर्ण बनाती है और लंबवत। तो यदि कभी क्वेश्चन में कह दिया जाए घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत है, तो भी मतलब 90 डिग्री कोण बना रही है। और अगर ये कह दिया जाए घड़ी की दोनों सुइयां सम क्या हो, लंबवत हो, तो भी 90 डिग्री कोण बना रही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण हर एक घंटे में 2 बार बनता है। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण हर एक घंटे में 2 बार बनता है, ठीक? हर एक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। 2 बार बनता है, और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा, ठीक? आगे लिखिए,
तीसरा पॉइंट लिखिए, तीन से चार बजे और 9 से 10 बजे एक एक बार ही बनता है, वन वन टाइम सुने जाते हैं, एक एक बार ही बनता है, ठीक। और एक दिन में 44 बार बनता है, एक दिन में 44 बार बनता है, जब 12 घंटे में 22 बार बनेगा तो 24 घंटे में 44 बार बनेगा, ठीक है। तो जब भी भैया 90 डिग्री का कोण आपसे मतलब एंगल पूछा जाएगा कि कितनी बार बनेगा, तो आपको दो टाइमिंग याद रखनी है, कौन कौन सी, एक 9 से 10, दूसरी 3 से 4। समझ आ रही है बात? ये कुछ अप्रोक्स सब भाई, दो बार कैसे, यहाँ पर एक ही एक बार बन पाता है, बाकी सब जगह कितनी बार बनेगा, दो दो बार बनेगा। तो इसमें टाइमिंग क्या याद रखनी है, 9 से 10 और 3 से 4, ठीक। अभी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए, आज दोपहर 2 बजे से, आज दोपहर 2 बजे से कल प्रातः 8 बजे तक, आज दोपहर 2 बजे से, आज दोपहर 2 बजे से कल प्रातः 8 बजे तक, कल प्रातः 8 बजे तक मेरी मॉर्निंग देखते हैं उधर, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मंदोत होगी, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मंदोत होगी, सब कुछ तो मैंने आपके उसमें लिखवा दिया है, बचा ही नहीं है कुछ लिखवाने के लिए। थर्टी थ्री और बताइए, 27 बार। सब लोग अभी आधे नींद में हो लग रहा है, क्या बता रहे हो, क्या पूछा गया है, तो बताओ है? थर्टी फोर किसका है, एक एक जोड़ के बता रहे हो कि निकाला है, 34 और बताइए, 32 ऑप्शन, क्या बोला जा रहा है बताइए क्वेश्चन में, आज दोपहर दो बजे से ठीक, कल प्रातः 8 बजे तक, कल प्रातः 8 बजे तक है ना। देखिए अगर हम ऐसे समझे कि दोपहर के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, बताओ, 12 PM है ये, ठीक है, 12 AM क्या है, 2 PM दोपहर 2 बजे बोला गया, ठीक है। देखो जरा, दोपहर 2 बजे से एक बात समझना, क्या बोला जा रहा था, कल प्रातः 8 बजे तक ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी दोपहर का 2 बजा है, मान लो दोपहर के 2 बजे से जब रात का 2 बजेगा तो एएम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा। और जब दोपहर 2 बजे से तुम 2 AM तक जाओगे तो तुम कितने घंटे चले होगे, 12 घंटे चले, कितने घंटे चले होगे, 12 घंटे चले होगे। और हर एक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है, और
12 घंटे में 22 बार बजता है, अभी तो भाई कॉपी में लिखा है। तो यहाँ कितने घंटे हो गए? 12 घंटे में कितनी बार बन गया? 22 बार बन गया ना प्लस। अभी बताओ 2 बजा है, कितने बजे तक जाना है? 8 बजे तक। कितने घंटे हुए? 6 घंटे। 6 घंटे बचे ना। अब आपको पता है कि 6 घंटे बचे हैं और हर एक घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? 6 × 2 = 12 बार बनेगा। बोलो बात समझ आ रही? लेकिन 12 बार नहीं बनेगा, -1 भी होगा। क्यों? क्योंकि 2 बजे से 8 बजे तक की सुबह जो बात हो रही है उसमें आपका 3 से 4 वाला समय आ गया है। तो 3 से 4 वाले में 2 नहीं, एक ही बार बना होगा। तो जो टोटल टाइम आया है आपका, उसमें आप माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो 22 + 11 कितनी बार बनेगा? 33 बार बनेगा। बस केवल यही आंसर सही है, बाकी सब गलत है। दोपहर 2 बजे से सुबह 2 बजे तक हो गए 12 घंटे, 12 घंटे में बन गया 22 बार। सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक 9 से 10 वाला समय तो मिला ही नहीं ना, 9 से 10 नहीं मिला। क्या मिला? 3 से 4, और 3 से 4 में 2 घंटे नहीं बना होगा, 2 बार नहीं बना होगा, 1 घंटे में 1 बार बना होगा। तो भाई 1 घंटे में जो 2 बार की जगह 1 बार बना, वो 1 कम हो गया 12 में से। तो 12 - 1 कितना बना? 11 बार। तो 22 और 11 कितनी बार बना? 33 बार। क्या 90 डिग्री का समझ आ रही है? ठीक है, आगे लिखिए। देखिए सोमवार दोपहर 1 बजे से, गुरुवार प्रातः 11 बजे तक, सोमवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार प्रातः 1 बजे, प्रातः 11 बजे तक, सोमवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार प्रातः 11 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार संपूर्ण होंगे? घड़ी के दोनों कांटे यानी दोनों सुइयां कितनी बार संपूर्ण बनाएंगी या संपूर्ण होंगे? कहाँ तक जाएंगे? 1 AM तक जाएंगे ना? नहीं, 1 PM तक। कहाँ तक जाएंगे? 11 बजे।
शुक्रवार की बात हो रही है ना, शुक्रवार गुरुवार गुरुवार सुबह 11 बजे तक, बुधवार दोपहर 1 बजे है। अब अगर 1 से यहाँ पर एम पर गए तो यहाँ कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। बोलो बात समझ आ रही? सोमवार दोपहर 1 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक, मंगलवार दोपहर 1 बजे से बुधवार दोपहर 1 बजे तक, और दोपहर 1 बजे से गुरुवार के सुबह 1 बजे तक 12 घंटे, यानी कि 24 घंटे में कितनी बार बनता है बताओ? 44 बार। तो 44 बार यहाँ बना, 44 बार यहाँ बना, और 12 घंटे में 22 बार यहाँ बना, बना ना। उसके बाद जरा देखिए, 11 AM से आपको जाना है, 1 AM से आपको जाना है 11 AM तक, सुबह 1 बजे से सुबह का 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद 11 से 12 जैसे बजेगा, 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये बताओ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल कितने घंटे हैं? 10 घंटे। कितने घंटे हैं? 10 घंटे। ये बताओ 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 10 घंटे में 20 बार बनना चाहिए, लेकिन 1 बजे से जब आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, 11 बजे तक आ रहे हैं सुबह, तो 3 से 4 वाला समय मिला, एक तो वहां कम हो गया, फिर 9 से 10 वाला समय मिला, एक वहां कम हो गया, तो कितने कम हो गए? क्योंकि दोनों टाइम आ गए, दोनों टाइम आने पर आप 2 माइनस करेंगे, एक टाइम आने पर 1 माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो 44 हो गया 88, 88 तो कितना हो गया? 90। 90 और 20 कितना हो गया? 110। 110 और 18 कितना हो गया? 128। 128 बार ये आंसर सही है, 128 बार, ठीक है ना। ये 6, ये 7 और ये होगा आपका 8, है ना।
तो 8:30 बजे का समय दिखा रही है, इसका मतलब है कि घंटे वाली सुई कुछ इस तरीके से होगी और मिनट वाली सुई कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे होगी मानो। 8:30 बजे का समय दिखा रही है घड़ी वाली सुई, ये मिरर वाला जो है इमेज, वो 8:30 बजे का समय दिखा रहा है। इसका मतलब समझे क्या हुआ कि तुमने कोई घड़ी नहीं होगी, घड़ी को तुमने मिरर के सामने रखा होगा और मिरर के सामने जो घड़ी जो इमेज दिख रही है मिरर में, उसमें 8:30 बजे का समय दिख रहा है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सही समय बताओ या मिरर इमेज वाला समय बताओ। तो बात वही है, समझ आ रही है बात, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं होता। तो जब भी मिरर इमेज की बात होती है तो आपका जो दिया गया टाइम है, जो आपका दिया गया समय है, उसे हमेशा 11:60 से माइनस कर देते हैं, उसे हमेशा 11:60 से माइनस कर देते हैं। 11 क्या है घंटे और 60 क्या है मिनट। बोलो बात समझ आ रही है। यानी कुछ किताबों में लिखा होता है कि मिरर इमेज निकालने के लिए दिए गए समय को 12 बजे से घटा देते हैं। अब 12 बजे से घटाने के लिए घंटे से, तो घंटे वजह से कह दिया जाए 4 बजे का, 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, कहोगे 8 बजे, 4 बजे होगा दर्पण में रखोगे ऐसे दिखने लगेगा तो 8 बजे दिखाई देगा। 9 बजे का बताओ तो 12 में से घटाओगे 3 बजे, लेकिन अगर कह देगा 3:45 का बताओ तो फिर आप 12 घंटे को आप लिखेंगे 11:60, एक घंटे को मिनट में लिख लो। अब आपसे बोला गया है 8:30 बजे है ना, तो 8:30 बजे को आप क्या कर देंगे घटा देंगे, 60 में से 30 गया कितना आ गया 30, 11 में से 8 गया कितना आ गया 3, यानी कि 3:30 तो आपका जो सही समय है वो 3:30 रहा होगा और दर्पण में दिखा कितना रहा है 8:30 दिखा रहा होगा। समझ आ रही है बात, ठीक नोट कर लीजिए। देखने पर 2:44 का समय प्रतीत हो रहा है, 2:44 का समय प्रतीत हो रहा है। तो बताओ वास्तविक समय क्या है, तो 11:30 से 2:44 लगा दो 9:16 कितना 9:16 है ना, 9:16 आ जाएगा। आगे देखिए, अच्छा नेक्स्ट लिखिए दर्पण प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज, क्वेश्चन लिखिए इसका, ठीक है। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया, 11:60 से घटाना होता है। अब जल प्रतिबिंब में क्या करना है ये समझ लो, लिखिए पहले टाइमिंग लिख लो, 2:40 लिखिए, 2:40 8:25 3:55 और 9:15 क्लियर है भाई। देखो भाई जब भी आप जो है दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो आप 11:60 से घटाएंगे और जब भी आप जल प्रतिबिंब की बात करेंगे तो 18:30 से घटाएंगे। देखिए 18:30 ठीक है, जैसे समझना भाई, दर्पण प्रतिबिंब को निकालने के लिए 11:60 से घटाया जाता है दिए गए समय को और वाटर इमेज निकालने के लिए, ठीक है, वाटर इमेज निकालने के लिए आपको 18:30 से घटाना होगा। पहला समय क्या है 2:40 है ना, तो देखो जरा 18:30 में से 2:40 घटाना है अपन को। पहली चीज तो ये समझो कि यहां मिनट कितने हैं 30 और नीचे वाले मिनट कितने हैं 40, तो क्या घटेगा नहीं घटेगा, तो जब नहीं घटेगा तो 18 से मैं 1 घंटे उधार ले लूंगा इसमें और 1 घंटे उधार लेने का मतलब है कि आपने 60 मिनट उधार ले लिया है ना। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17:90 भाई, 18 में से 1 घंटे निकल गए 17 घंटे और 30 मिनट में 60 मिनट जुड़ गए तो 90 मिनट, तो 17 घंटे 90 मिनट में से आप क्या करेंगे 2:40 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे
90 में से 40 जाएगा, 50 आ जाएगा, 17 में से 2 जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 50 का मतलब है 350। 15 50 का मतलब क्या है? 350। अगर कभी भी घंटे घट ना रहे हो, मतलब मिनट घट ना रहे हो, तो घंटे को उधार ले लिया जाता है, और एक घंटे उधार लेने का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट जुड़ जाएगा। समझ आ रही है? 24 घंटे का 12 नहीं, अगर 14-15 ये वाला समझ लिया, 14-15 अब मान ले 14:25 दिया है, तो मतलब तुम्हारा क्या है 2:25, उसको घटा दोगे या फिर डायरेक्ट घटा दो 18:30 में से 14:25। ठीक, आगे देखिए, डायरेक्ट 23:60 से नहीं घटा सकते, नहीं 18:30। ठीक, आगे वाले कर लीजिए, तो 2-3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, उसको टाइम निकाल के देख लीजिए। शायद इसी भर में आपको कह रही है ना मटराओ वाली है। यही बताया था, तो इसका मतलब है जब भी तुम 0 डिग्री की बात करोगे, 0 डिग्री का कोण निकालना है 4-5 के बीच का, तो जब भी आप 0 डिग्री की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ठीक 12 बजे वाला फिगर सामने आ जाएगा कि ठीक 12 बजे 0 डिग्री का कोण रहा होगा। अब आपको क्या करना है, जो दिया गया समय है 4-5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, वो बनेगा 4:00 में या 5:00 में, 4:00 कुछ मिनट में, 5:00 के कुछ मिनट में बनेगा, तो 4-5 के बाहर निकल जाएगा।
ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो डिग्री की जो आइडियल कंडीशन है वो ठीक 12 बजे है, ठीक। आइडियल कंडीशन ठीक 12 बजे है तो आप 12 बजे से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज कहां तक चलेंगे आप? 4 बजे तक, जिससे जिसके बीच में कोण पूछा जा रहा है, 4 से 5 के बीच में पूछा जा रहा है, तो 4 बजकर कुछ मिनट में बनेगा। तो आपको चलना कहां तक है? 4 तक। तो 4 तक कितने घंटे चले आप? 4 घंटे। तो 4 घंटे में आपको 60/11 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा? 60/11 से। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी समय के मध्य 0 डिग्री का कोण पूछ लिया जाए तो जो घंटे आप चलेंगे क्लॉकवाइज में 12 बजे से, उस घंटे में सदैव 60/11 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। 60/11 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। जब भी 4 से 5 बोले या 5 से 6 बोले या 6 से 7 बोले, 0 डिग्री का कोण बोले, तो गुणा किससे करोगे? 60/11 से। तो जैसे ही आप 12 से चल रहे हैं, 60 कर रहे हैं और 4 बजे तक आए, तो कितने घंटे चले? 4 घंटे। तो 4 घंटे में किससे गुणा करेंगे? 60/11 से। तो ये हो जाएगा 240/11 और 11 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 220 और 11 कितना? 231, 21 बार। तो ये चला गया 21 बार, बचा कितना? 9 बटे कितना हो गया? 11 मिनट। ये क्या गया? 21 सही 9 बटे 11 मिनट। यानी कि 4 से 5 के बीच में कोण पूछा जा रहा है तो 4 बज करके 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर ठीक 0 डिग्री का कोण क्या रहा होगा? जब भी 0 डिग्री का कोण बोला जाएगा तो पहले आप 12 बजे से क्लॉकवाइज चलेंगे कहां तक? जिसके बीच में बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 4 से 5 के बीच में, तो 5 के बाद तो जाएगा नहीं, 4 के बाद रहेगा और 5 के बाद रहेगा। तो कहां तक चलेंगे? 4 से कितने घंटे चले? 4 घंटे। गुणा कितने से करना है? अब ऐसा हुआ 60/11 से करना है, 1 भी बदलेगा नहीं। ये इसका क्या होता है, एक स्पेशल पॉइंट होता है किताब में, आप देखेंगे 60/11 में क्या और नहीं। तो वही चीज है जो 60/11 है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पूरा जो निकालेंगे 60/11 से आया 200 घंटे पर। तो ये जो 60/11 है इसका गुणा आपको घंटे में करते हैं, तो 4 × 60/11 240/11 सॉल्व किया, 21 सही 9/11 है, ठीक। तो 4 × 21 सही 9/11 मिनट ठीक 0 डिग्री का कोण क्या होगा बनेगा? समझ आ रही है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। और 60/11 का गुणा सब में करना है आपको, जैसे 0 डिग्री बोल दिया गया तो भी आपको 60/11 से गुणा करना है, और अगर विपरीत बोल देता है 180 डिग्री तो भी 60/11 से गुणा करना है, लेकिन वहां किससे चलोगे? 6 बजे से क्लॉकवाइज चलोगे। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री की आइडियल कंडीशन 6 बजे मिली थी ना। और जब तुमसे कह दिया जाए 90 डिग्री कितनी बार बनेगा और ठीक कितने बजे, अगर कह दिया जाए कि 2 से 3 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप कहेंगे सर 2 बार बनेगा, और ठीक कितने कितने बजे बनेगा, तो उसके लिए 2 कंडीशन होगी। 2 बजे से 3 बजे तक की बात हो रही है ना, 2 बजे से 3 बजे तक की बात हो रही है, समझिएगा। तो 2 बजे से 3 बजे के बीच की बात हो रही है, यानी इस समय के बीच की बात हो रही है। अब ये बताओ, एक समय तो मैं बताया गया था 90 डिग्री के लिए 9 बजे ठीक, और दूसरा समय तो मैं बताया गया था 3 बजे, 3 से 4, 9 से 10 लिखवाया है ना। तो पहले में तुम्हें क्या करना है, देखो पहले में तुम्हें 9 से कहां तक जाना है? 3 तक क्लॉक वाइज कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। तो क्या करोगे? 6 × 60/11 तो कौन सा समय मिल जाएगा? 9 से 10 के बीच वाला। और जब तुम्हें 3 से 4 के बीच इधर वाला चाहिए, समझना, तो 2 से 3 के बीच की बात हो रही है, 2 से 3 के बीच की बात हो रही ना। तो इसका मतलब है जब तुम यहां की बात करोगे तो तुम कहां से घूमोगे? 3 से घूमोगे, कहां तक? 2 तक। क्लॉक वाइज चलना है, समझ आ रही है बात कि नहीं? 0 डिग्री के लिए क्या करना है, समझ में आ गया कि नहीं? इसको छोड़ो, 0 डिग्री समझ में आ गया ना। 180 डिग्री के लिए क्या करोगे? 6 बजे वाले से क्लॉक वाइज चलोगे, है ना। देखो एक क्वेश्चन लिखिए जरा, देखिए देखिए 10 से 11 बजे के बीच
10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण ठीक कितने बजे बनेगा? 10 से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण ठीक कितने बजे बनेगा? ठीक, तो बताओ कहां से गिनना शुरू करोगे? 6 से, कहां तक? 10 से 11 के बीच में बनना है, 10 से कितने घंटे हो गए? 4, और 4 गुणे 60 बटे 11, 240 बटे 11, यानी 21 सही 9 बटे 11, यानी 10 बज करके 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सहियां क्या होंगी? एक दूसरे विपरीत होंगी। समझ आ रही है ना? ठीक, दस बज करके 21 सही 9 बटे 11 मिनट। आगे लिखिएगा, देखिए 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा? 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा? 5 बजे से 6 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा? देखो जरा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? देखो जरा, 5 से 6 बजे के बीच की बात हो रही है, 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री कोण की बात हो रही है, तो देखो जरा, एक समय याद होना चाहिए आपको 9 और एक समय याद होना चाहिए 3। चलना कैसे है? क्लॉकवाइज। कैसे चलना है? ये बताओ, 10 से क्लॉकवाइज, 9 से क्लॉकवाइज चलोगे तो इधर चलोगे ना, इधर तो चल नहीं सकते, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जब इधर से ऐसे चलोगे तो 5 बजे तक आओगे, क्योंकि 5 से 6 के बीच में 5 बजकर कुछ मिनट में बनेगा। तो ये बताओ, 9 से 12 3 घंटे, 12 से 5 8 घंटे, कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। तो क्या करोगे? 8 गुणे 60 बटे 11, ये कितना हो गया? 8 6 48, 480 बटे कितना हो गया? 11 11 चौक 44, फिर 11 3 33, 43 सही 60 बटे 11 मिनट, यानी कि पहला समय क्या मिल गया? 5 बज करके 43 सही 60 बटे 11 मिनट पर एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा देखिए, एक तो 9 से चले आप क्लॉकवाइज, दूसरा आप 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज। जब आप 3 से चलेंगे तो 3 से 4, 4 से 5 2 घंटे चलेंगे, और आप लिखेंगे 2 गुणे 60 बटे 11 से 120 बटे 11। बोलो, बात समझ आ रही? कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 10 बार, 10 सही 10 बटे 11 मिनट आया ना, तो इसका मतलब है एक और क्या आंसर सही हो गया? 5 बज करके 10 सही 10 बटे 11 मिनट। कितने समय आए? 2 समय आए। कौन कौन से? 5 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 5 बजकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो पौने 5 दिखा करता है ना, ये पौने 5 पे एग्जैक्ट नहीं होता कोण, वो लगता है कि पौने 5 पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन 90 डिग्री का एग्जैक्ट कोण कितने बजे बनता है? 5 बजकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट। बोलो, बात समझ आ रही है? और 7 बटे 11 मिनट का मतलब समझ रहे हो? 7 बटे 11 गुणे 60, यानी बहुत हल्के मतलब सेकंड उसमें जाएगा तो वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा घड़ी में। समझ आ रही है ना बात? इसलिए वो पौने 11 पे लमसम लगा करता है कि 90 डिग्री का कोण बनना होगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम होगा 5 बजकर 43 सही 7 बटे 11, और 5 बजकर 10 सही 10 बटे 11। क्लियर है? ये दो समय आएंगे जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में क्लॉक, अगर रीजनिंग की क्लास होगी तो रीजनिंग की क्लॉक क्लास में अभी दो तरीके की, दो या तीन तरीके की चीजें अभी बाकी हैं अपनी। कौन सी? एक तो फॉल्टी क्लॉक बाकी है, जब घड़ी खराब हो जाती है उसको सही कर दिया जाता है, कुछ समय आगे समय दिखाती है, कुछ समय पीछे समय दिखाती है, वो सब अगली क्लास में, बाकी के जो बचे हुए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इसको बंद कर दो रिकॉर्डिंग।